हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपनी इस नए क्लास में। आज मैं आप लोगों के सामने लाया हूं क्लास टू का सब्जेक्ट SST एक्सरसाइज 3, जिसका नाम है फन विद आवर फैमिली, मतलब हमारे परिवार के साथ मनोरंजन या मजाक हम लोग करते हैं ना उसके साथ। फन विद आवर फैमिली हम लोग आज पढ़ेंगे। ये है आपका क्लास टू सब्जेक्ट SST और एक्सरसाइज 3, जिसका नाम है फन विद आवर फैमिली। जिसके पास बुक्स अवेलेबल होंगे वो देख सकते हैं। फन मीन्स होता है मनोरंजन या मजा। नहीं कहते हैं आज हम लोग अपने फैमिली के साथ बहुत फन किया, मन मजा लिया, आनंद उठाया, मनोरंजन किया। तो फन विद आवर फैमिली मैंने हमारे परिवार के साथ मजा या आनंद। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स नहीं क्लियर करना चाहता हूँ, जिससे मैं जब पढ़ाऊंगा आपको चैप्टर तो आपको उसका हिंदी समझने में आपको आसानी होगी। तो चलते हैं वर्ड मीनिंग्स की ओर। आपका वहां यहाँ वर्ड्स देखते हैं। फर्स्ट आपका वर्ड है फन। फन मीन्स अक्सर आप सुनते हैं, आज हम लोग ने यहाँ गया मूवी देखने के, बहुत फन किए, मतलब बहुत आनंद लिए, बहुत मजा किए, बहुत मनोरंजन किए। इसका एक भाव अलग अलग रूप हो सकते हैं। इसका अर्थ फन मीन्स मजा या मनोरंजन भी होता है। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटीज, ACTIVITIES। एक्टिविटीज मीन्स होते हैं गतिविधि। क्या होता है? गतिविधियों, एक्टिविटीज जो हमेशा हम लोग करते हैं। रिक्रिएशन, RECREATION। रिक्रिएशन मीन्स होता है दिल बहलाव, मतलब कभी कभी दिल को बहलाने के लिए कोई काम करते हैं, मनोरंजन करते हैं। रिक्रिएशन मीन्स होता है दिल बहलाव। नेक्स्ट आपका वर्ड है इनडोर। अभी तो लॉकडाउन है तो जाहिर सी बात है कि आप आउटडोर तो गेम खेलते नहीं होंगे। कहने का मतलब कि घर के अंदर वाले गेम्स को खेलने को वाला, मतलब इंडोर का मतलब होता है घर के अंदर, मतलब जैसे लूडो हो गया, कैरम हो गया, ये सब आप खेल सकते हो घर में। मतलब इंडोर क्या होता है? गेम्स घर के अंदर ही ना, इंडोर मीन्स हुआ घर के अंदर। उसी तरह से नेक्स्ट आपका वर्ड है आउटडोर। आउट मीन्स क्या होता है? ऐसे भी जाने की इन मीन्स अंदर होता है, अंदर वाला जो इंडोर गेम, ठीक है। आउटडोर, आउटडोर का मतलब होता है बाहर, ठीक है, घर के बाहर। उसी तरह से नेक्स्ट वर्ड आपका है समटाइम्स, SOME, सम TIME, समटाइम्स मतलब होता है कभी कभी, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट आपका वर्ड है वेरियस, VARIOUS। वेरियस मीन्स होता है विभिन्न प्रकार के, ठीक है। हमेशा जाते हैं कई पार्टी में तो बोलते हैं वहां पर बहुत वेरियस टाइप्स के आपको स्वीट्स, मतलब अलग अलग प्रकार की मिठाइयां थे। बीच, BESCH, बीच मीन्स होता है समुद्र तट। क्या होता है? समुद्र तट। अक्सर देखते हैं समुद्र के किनारे होता है। आज कहा आज हम लोग बीच पे चलेंगे, मतलब समुद्र के किनारे चलेंगे। बीच मीन्स होता है समुद्र तट। उसी तरह से आपका जो नया वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है सॉरी, स्पेन। स्पेन मीन्स होता है बिताना। क्या होता है? बिताना। अगला वर्ड है SPEND, स्पेन मीन्स बिताना। अगला आपका वर्ड है एनसीएंट, ANCIENT। एंसियंट मीन्स होता है प्राचीन, मतलब पुराना, ठीक है। ANCIENT, एंसियंट मीन्स क्या होता है? प्राचीन या पुराना। उसी तरह से नेक्स्ट आपका वर्ड है पॉपेट। पॉपेट मीन्स होता है कठपुतली, PUPPET। पॉपेट मीन्स होता है कठपुतली। कभी कभी आप गेम मूवीज में देखते हो, फिल्म में देखते हैं गुड्डा गुड्डी का वैसे ऐसे उसको डांस करते रहता है, तो वो जो गेम है, मतलब वो जो खेल है, वो क्या कहते हैं उसको? पॉपेट कहते हैं, कठपुतली कहते हैं। अगला आपका वर्ड है क्लाउन्स, CLOWNS। क्लाउन्स मीन्स होता है जोकर। जैसा कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि सर्कस में जोकर होता है जो हमें कॉमेडी करके हंसा कर क्या कहता है, लोट पोट कर देता है, तो क्लाउन्स मीन्स होता है जोकर। ये कुछ वर्ड्स थे जो फन विद आवर फैमिली के चैप्टर से रिलेटेड थे, जो आपको मैं जब हिंदी का पढ़ाऊंगा इसको समझाऊंगा तो उसको चैप्टर को आप समझने में आसानी होगी। तो फिर से आपको मैं दोहरा दूं, ये क्लास टू का सब्जेक्ट SST का एक्सरसाइज 3 है, जिसका नाम है फन विद आवर फैमिली, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कहां? अब हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर। कहां चलते हैं? चैप्टर की ओर। कहता है कि इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट फन एंड रिक्रिएशन, इंडोर गेम, आउटडोर गेम। इसमें क्या होता है? इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे? फन करो, फन के बारे में पढ़ो, मजा, आनंद, मनोरंजन, दिल बहलाओ, ये सब चीज के बारे में पढ़ोगे। इंडोर गेम्स क्या होता है? आउटडोर गेम्स क्या होता है? मान घर के अंदर वाले खेल क्या होते हैं? आउटडोर गेम्स क्या होते हैं? कौन कौन से गेम्स होते हैं जो आउटडोर गेम्स होते हैं? इन सारी चीजों का आप लोग पढ़ें। चलते हैं मुख्य। कहता है कि डू ए लॉट ऑफ वर्क इन ए डे। हम लोग एक दिन में
बहुत सारा, लॉट ऑफ मीन्स होता है काफी। हम लोग एक दिन में बहुत सारा कार्य करते, काफी कार्य करते हैं। वी गेट टायर्ड आफ्टर वर्क, हम लोग काम करने के बाद क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। जाहिर सी बात है एनर्जी का लॉस होगा तो थकेंगे नहीं। वी गेट टायर्ड आफ्टर वर्क, हम लोग काम करने के बाद क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। टू फील फ्रेश अगेन वी नीड सम रेस्ट एंड फन, हम लोग को पुनः ताजा होने के लिए क्या करते हैं, वी नीड सम रेस्ट। हम लोग क्या चीज की आवश्यकता होता है, आराम की आवश्यकता होती है। फन क्या मतलब होता है, मनोरंजन की आवश्यकता होती है, माइंड को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, जिसके कारण हम क्या होते हैं, पुनः चार्जअप हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। फन और एंजॉयमेंट रिलैक्सेड आवर माइंड एंड बॉडी, जब आनंद या हम लोग आनंद जब करते हैं, मजा करते हैं या किसी चीज का मनोरंजन करते हैं, यह हमारे इससे क्या फायदा होता है, ये हमारे जो मस्तिष्क है और शरीर को क्या करता है, रिलैक्स कर देता है, ठीक है, मतलब शांत कर देता है। कहने का मतलब हम शांति हमारा मन हो जाता है, ठीक है। एक्टिविटी डैट वी डू फॉर एंजॉयमेंट और कॉल्ड रिक्रिएशन, जो गतिविधियां जो हम लोग मनोरंजन के लिए एंजॉयमेंट के लिए करते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिक्रिएशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रिक्रिएशन कहलाते हैं, मतलब दिल को बहलाने के लिए जो हम लोग एक्टिविटीज गतिविधि करते हैं उसे क्या कहते हैं, रिक्रिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिक्रिएशन। देर आर मेनी एक्टिविटीज फॉर रिक्रिएशन, हम अपने दिल को बहलाने के लिए, मन को ताजा रखने के लिए, मन को मनोरंजन के लिए बहुत सारे क्या करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, गतिविधि करते हैं। समटाइम्स इंजॉय एट होम, कभी कभी हम आनंद लेते हैं, क्या लेते हैं, समटाइम्स इंजॉय एट होम, हम लोग बाय टेकिंग रेस्ट, प्लेइंग गेम्स, रीडिंग बुक्स, वॉचिंग टीवी प्रोग्राम्स, इत्यादि। कहते हैं कि समटाइम्स वी इंजॉय एट होम बाय टेकिंग रेस्ट, प्लेइंग गेम्स, रीडिंग बुक्स, वॉचिंग टीवी प्रोग्राम्स, इत्यादि। कहते हैं कभी कभी हम लोग क्या करना, आनंद लेने के लिए घर पर क्या करते हैं, आराम करते हैं, प्लेइंग गेम्स मतलब कोई गेम खेलते हैं, बुक्स किताबें पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, और टीवी पर जो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं उसको देखते हैं। इन सारे चीजों को करते हैं कि अपने आप को आनंद करने के लिए। अब आपका कहता है विच टाइप ऑफ टीवी प्रोग्राम डू यू लाइक टू वॉच ड्यूरिंग योर रिक्रिएशन, आप अपने जो विच टाइप ऑफ टीवी, कौन सा टीवी प्रोग्राम जो है आप क्या करते हैं, देखना पसंद करते हैं, किसके, अपने जो मनोरंजन दिल बनाने के लिए। घर पर होते हैं, हर किसी का कोई शो होता है, किसी का कॉमेडी विच नाइट होता है, हर किसी का एक मनपसंद शो होता है, जो देखता है उसे अच्छा लगता है, दिल बहलाता है। फिर किसी वही पूछ रहा है कि नेक्स्ट पूछ रहा है वाकी जो मोस्ट फेवरेट रिक्रिएशन है वो ड्राइंग, कलर, डांसिंग, प्लेइंग गेम्स, वॉचिंग टीवी प्रोग्राम्स, लिसनिंग टू म्यूजिक, रीडिंग बुक्स, हर का अपना अपना है। कहता है वी प्ले मेनी इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, हम लोग बहुत सारे इंडोर एंड आउटडोर गेम्स कहते हैं, ठीक है। इंडोर और आउटडोर गेम्स क्या है ये बाद में पढ़ेंगे। बेसिकली इंडोर गेम्स होता है द गेम विच वी प्ले इन साइड आवर हाउस, वह खेल जो हम लोग घर के भीतर खेलते हैं उसे इंडोर गेम कहते हैं। और द गेम विच वी प्ले आउटसाइड आवर हाउस, घर के बाहर हम लोग खेलते हैं उसे क्या कहते हैं, आउटडोर गेम्स कहते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन है, अभी लॉकडाउन में घर के बाहर तो खेल नहीं सकते हैं, तो बेसिकली हम इंडोर गेम्स ही खेलेंगे। जैसे अभी बहुत सारे बच्चे लूडो खेल रहे हैं, आपका कैरम खेल रहे हैं, और क्या बोलते हैं, व्यापारी होता है, बिजनेस होता है, वो घर पर बैठ खेलते हैं। ये सब चीज क्या हुआ, इंडोर गेम्स का एग्जांपल हुआ। और आउटडोर गेम्स क्या होता है, उसके लिए हमें घर के बाहर जाना पड़ता है। जैसे हो गया आपका क्रिकेट, हो गया आपका फुटबॉल, हो गया ये सब क्या होता है, आउटडोर गेम्स। वी गो टू नियर बाई पार्क टू प्ले विथ आवर फ्रेंड्स, हम लोग अपने पार्क, अपने दोस्तों के साथ क्या करते हैं, किसी पार्क के नजदीक जाते हैं, ठीक है, खेलने जाते हैं। वी एंजॉय स्विंगिंग एंड स्लाइडर्स इन द पार्क, हम लोग क्या करते हैं, वहां झूला झूलते हैं, अलग अलग जो खेल है उसमें आनंद लेते हैं। समटाइम्स वी गो टू द जू टू सी वेरियस वाइल्ड एनिमल्स, कभी कभी हम लोग क्या जाते हैं, चिड़िया खाना जाते हैं। जू मीन्स क्या होता है, चिड़िया घर या चिड़िया खाना, क्या जाते हैं। समटाइम्स वी गो टू द जू टू सी वेरियस वाइल्ड एनिमल्स, कभी कभी हम लोग चिड़िया घर जाते हैं, क्या, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों को देखने जाते हैं। इट इज ए गुड रिक्रिएशन, यह दिल बहलाने के लिए अच्छा होता है। इट हेल्प्स अस टू नो अबाउट वाइल्ड एनिमल्स, ये क्या करता है, इट इज ए गुड रिक्रिएशन, इट हेल्प्स अस टू नो अबाउट वाइल्ड एनिमल्स, जो हम लोग जू जाते हैं वहां पर बहुत सारे आपको वाइल्ड एनिमल्स को देखते हैं, क्या, जंगली जानवरों को देखते हैं, ये हमें क्या करता है, रिक्रिएशन तो होता है, हमारा मन भी बहल जाता है, लेकिन साथ ही साथ हम लोग बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स के बारे में, उसके बारे में हमें जानकारी भी मिल जाती है, उससे हम ज्ञान भी सीख लेते हैं। समटाइम्स वी गो आउट फॉर ए पिकनिक, कभी कभी हम लोग कहाँ जाते हैं, पिकनिक जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं,
पिकनिक का मतलब होता है वन भोज, कहीं कहीं जाते हैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक जाते हैं, ये प्ले गेम्स देयर, हम लोग क्या जाते हैं प्ले गेम्स देते हैं। कभी कभी अक्सर फैमिली में सुनते हैं कि जब मन नहीं लग रहा है, ठीक है तो चले कोई नहीं चला पिकनिक किया जाए अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, तो फैमिली मेंबर्स के साथ जाते हैं, कुछ खाने पीने के फ्रूट्स वगैरह ले जाते हैं, वहां बैठते हैं, वहां पर कुछ अंतराक्षी वगैरह खेलते हैं, खाते पीते हैं, इससे हम लोग को क्या हो जाता है एक नई ताजगी के साथ हमें काम करने की ऊर्जा मिलती है और हम लोग को मन भी भर जाता है, ठीक है। विथ फूड एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ आवर फैमिली, हम लोग भोजन करते हैं और एक अच्छा समय किसके साथ बिताते हैं, अपने परिवार के साथ बिताते हैं, किसके साथ बिताते हैं परिवार के साथ बिताते हैं। वी गो टू ए हिल स्टेशन और बीच विद आवर फैमिली ड्यूरिंग वेकेशन, और जब हम लोग को छुट्टियां के दिन होते हैं तो उसमें कहीं क्या हिल स्टेशन जाते हैं, नहीं तो बीच जाते हैं, समुद्र के तट पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, किसके साथ जाते हैं अपने फैमिली के साथ। समटाइम्स आवर स्कूल टेक्स अस ऑन एजुकेशनल ट्रिप्स, कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे कभी कभी हमारे जो विद्यालय होते हैं हम लोग क्या शैक्षणिक ट्रिप पर भी ले जाते हैं। शैक्षणिक ट्रिप का मतलब होता है कहीं टूरिस्ट के रूप में, मतलब टूरिस्ट जहां पर बहुत सारे टूरिस्ट के रूप में हम लोग जाते हैं और जहां पर अच्छा अच्छा शैक्षणिक चीजों का हमें ज्ञान होता है, जैसे नालंदा विक्रमशिला ये सब जगह जाते हैं तो वहां के जो एंशियंट जो चीजें होते हैं तो उसके बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त होती है। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो साथ साथ फायदा ये होता है कि हम लोगों का क्या होगा मेंटल फैक्टर में जो होता है रिफ्रेशमेंट आ जाता है, ताजगी हो जाता है, हम लोग को रिफ्रेश फील करते हैं, साथ ही साथ क्या होता है हम लोग वहां के एजुकेशनल शैक्षणिक चीजों को बारे में जानते हैं जिससे हमारे स्टडी में भी आप हमें मदद मिलती है। समटाइम आवर स्कूल टेक्स अस ऑन एजुकेशनल ट्रिप, ऑन सच ट्रिप्स वी विजिट म्यूजियम्स एंड एंशियंट बिल्डिंग्स, ये ऐसा ट्रिप कौन सा ऐसा होता है जिसमें हम लोग कहां जाते हैं म्यूजियम्स जाते हैं, म्यूजियम्स में जितने भी पुराने पुराने चीजों का एक संग्रह होता है, ठीक है वहां जाते हैं, एंड एंशियंट बिल्डिंग जाते हैं पुराने पुराने भवनों को जाते हैं, उससे क्या होता है म्यूजियम में जाते हैं तो बहुत सारे राजा महाराजा बहुत सारे ओल्ड जो होते थे चीजें होते थे वहां पर हमें देखने का मिलता है, उसे कब बनाया गया था उसका इतिहास के बारे में जानते हैं, तो जिससे हमारे जो स्टडी में इससे शामिल होते हैं उससे हमें ज्ञान तो मिलता ही है साथ ही साथ हमें एक शैक्षणिक रूप में हमें सहायता भी मिलती है। इन ए म्यूजियम, म्यूजियम में एंशियंट थिंग्स आर केप्ट एंड शोन, क्या कहते हैं पुराने चीजों को वहां रखा जाता है और साथ ही साथ उसको दिखाया जाता है कि जानिए कि पुराने हमारे जमाने में कैसे लोग थे, क्या थे, किस चीज का उपयोग करते थे, इससे हम लोग की जानकारी मिलती है। समटाइम्स वी गो टू ए लाइब्रेरी, कभी कभी तो हम लोग क्या करते हैं समटाइम्स वी गो टू ए लाइब्रेरी, कभी कभी हम लोग लाइब्रेरी जाते हैं, लाइब्रेरी मीन्स क्या होता है पुस्तकालय, कभी कभी हम लोग पुस्तकालय जाते हैं। अब पुस्तकालय है क्या, पुस्तकालय क्या है, लाइब्रेरी इज ए प्लेस टू कीप कलेक्शन ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी क्या होता है पुस्तकालय होता है, एक जगह होता है जहां पर किताबों का क्या होता है संग्रह को रखा जाता है, ठीक है अलग अलग किताबों का रखने का क्या होता है एक संग्रह होता है एक जगह होता है। वी कैन फाइंड एंड मेनी टाइप्स ऑफ बुक्स देयर, हम लोग क्या पाते हैं वहां पर क्या करते हैं खोजते हैं और पढ़ते हैं अलग अलग किताबों के प्रकार को, वहां जिस प्रकार की हमें किताब चाहिए इतिहास का बुक पढ़ना इतिहास का पढ़ेंगे इंग्लिश का बुक वहां पढ़ेंगे, जिस प्रकार के हम अलग अलग किताबों को जिससे हमें संबंधित ज्ञान की आवश्यकता होती है वहां पर हम लोग पढ़ते हैं जिससे हमारी ज्ञान में क्या होती है वृद्धि होती है। वी कैन ऑल्सो बोरो बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, हम लोग वहां से क्या कर सकते हैं किताब को वहां से मतलब ले भी सकते हैं, ठीक है हमें किताब की जरूरत होती है वहां से हम उधार के रूप में बोरो कर सकते हैं उसे ले भी सकते हैं, ठीक है पढ़ने पर उसे हम लौटा जाते हैं, ठीक है। Sometimes we have fun in fairs or meals, yes, ठीक है कभी कभी हम लोग क्या करते हैं हम लोग मेलों में क्या करते हैं मेला में क्या करते हैं फन करते हैं मजा लेते हैं आनंद करते हैं मनोरंजन करते हैं। We enjoy different rides there, हम लोग क्या करते हैं वहां जगह जगह अलग अलग चीजों का क्या करते हैं आनंद लेते हैं। We also enjoy different kinds of food there, वहां पर क्या करते हैं हम लोग अलग अलग भोजन का व्यंजन का क्या करते हैं आनंद लेते हैं। हम लोग जब मेला में जाते हैं तो अलग अलग जलेबियां मिठाई समोसे चाट अलग अलग होते हैं जो हम लोग क्या करते हैं वहां के भोजन को क्या करते हैं मजा लेते हैं, ठीक है वहां पर अलग अलग तरह का आपको खेल भी मनोरंजन होता है जिस पर बैठ के हम लोग क्या करते हैं झूला झूलते हैं बैठते हैं बहुत सारा खेल भी खेलते हैं मनोरंजन होता है। समटाइम्स वी वॉच पपेट शो, वहां पर कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं पपेट शो, पपेट मीन्स कठपुतली का जो खेल होता है वो भी हम लोग देखते हैं जिसमें गुड्डा और गुड्डी को दर्शाया जाता है। These shows are fun to watch. ये जो शो होते हैं ना बहुत देखने में क्या होते हैं बहुत मजा आता है उनको मनोरंजन बहुत अच्छा लगता है।
द सर्कस इज ए गुड पास्ट टाइम, कहता है कि द सर्कस इज ए गुड पास्ट टाइम, सर्कस है जो कि बहुत ही अच्छा समय होता है जहां पर गुजारा जा सकता है। वी कैन सी वेरियस सेक्स ऑफ एनिमल्स इन द कर्स, हम लोग बहुत प्रकार का जो देखते हैं कि जानवर वहां पे क्या करते हैं करतब को दिखाते हैं। क्लाउंस परफॉर्म वेरियस फनी अटैक मेक अस लाफ, और वहां पर एक जोकर भी होता है जो बहुत फनी फनी एक्ट हम लोग को दिखलाता है जिससे हम लोग क्या करते हैं हम लोग को मनोरंजन होता है, हम लोग खूब ठाके मार मार के हंसते हैं। द क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर है, जो दिल बहलावने के लिए बहुत ही क्या होता है वेरी हम लोग को बिलीव बहुत जरूरी है, किसके लिए हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे अच्छाई के लिए, मतलब हमारे कल्याण के लिए। वी शुड स्पेंड सम टाइम इन रिक्रिएशन एक्टिविटीज, हम लोग को क्या कुछ समय इसके रिक्रिएशन में भी क्या करना चाहिए, गतिविधियों में भी क्या करना चाहिए, बिताना चाहिए। इससे हमारा जो होता है मन होता है ना बोर जब होता है तो फिर हम लोग ताजा महसूस करते हैं, जिससे काम करने के लिए हमें क्या मिलती है ऊर्जा मिलती है, ठीक है, एक मतलब एक माहौल का निर्माण होता है। ड्यूरिंग समर वेकेशन मेनी स्कूल कंडक्ट कैंप्स एंड क्रिएटिव क्लासेस, क्या होता है जो समर वेकेशन होता है ग्रीष्म अवकाश के दिनों में बहुत सारे विद्यालय ऐसे होते हैं जो कैंप्स का निर्माण करते हैं, ठीक है, उसको लागू करते हैं, क्रिएटिव क्लासेस और नए नए रचनात्मक क्लासों का क्या करता है निर्माण करते हैं। चिल्ड्रन क्या करते हैं आनंद लेते हैं, लर्न ए लॉट ऑफ थिंग्स इन सच क्लास, और वहां पर बच्चे आनंद लेकर अलग अलग क्या करते हैं क्लास को जाकर वहां पर अलग अलग चीजों को नए नए चीजों को सीखते हैं। फन और इज वांट टू रिलैक्स आवर माइंड एंड बॉडी, जैसा कि जाने फन होता है जो आनंद होता है मजा जो होता है हमारे शरीर को क्या करता है रिलैक्स करता है आराम पहुंचाता है। एक्टिविटीज दैट वी डू फॉर एंजॉयमेंट आर कॉल्ड रिक्रिएशन, और वैसा गतिविधियां जो हम लोग क्या करते हैं वी डू फॉर एंजॉयमेंट हम लोग आनंद के लिए करते हैं वो क्या कहलाता है रिक्रिएशन कहलाता है, क्या कहलाता है रिक्रिएशन कहलाता है। वी गो टू डिफरेंट प्लेसेस फॉर रिक्रिएशन, हम अपने दिल बहलाने के लिए बहुत सारे जगह पे जाते हैं, कभी कोई दिल्ली जा रहा है कोई ताजमहल जहां जहां जिससे देखने का मन जाता है जिससे हमारा क्या हो जाता है रिक्रिएशन होता है मन बहल जाता है। अब इंडोर का मतलब आपको मैंने बताया था कि इंडोर एक क्या होता है, इंडोर का मतलब इनसाइड बिल्डिंग मतलब भवन के या घर के अंदर जो खेला जाता है, आउटडोर का मतलब होता है घर के बाहर, बीच का मतलब समुद्र का क्या होता है एक जगह या जो बालू पे होता है बालू नुमा होता है देखते होंगे, एंशियंट का मतलब मैंने बताया था आपका बहुत प्राचीन मतलब पुराने समय की जो चीज। अब आपका टिक द करेक्ट ऑप्शंस है, ठीक है, कहता है कि वी गेट खाली स्थान आफ्टर वर्क, ठीक है, यहाँ पर देखिए वी गेट खाली स्थान आफ्टर वर्क टायर्ड हैप्पी सैड एंग्री, वी गेट हम लोग हो जाते हैं क्या हो जाते हैं थक जाते हैं, क्या हो जाते हैं थक जाते हैं टायर्ड, वी गेट टायर्ड आफ्टर वर्क मतलब काम करने बाद हम लोग क्या हो जाते हैं थक जाते हैं। वी गो टू नियर बाय क्या पार्क्स, हम लोग किसके नजदीक जाते हैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए पार्क्स में जाते हैं, कहां जाते हैं पार्क्स में जाते हैं। व्हाट इज द प्लेस टू कीप ए कलेक्शन ऑफ बुक्स कॉल्ड, हम मैंने पढ़ाया था कि कहता है कि एक किताब के संग्रह का रखने का जो जगह होता है क्या कहलाता है लाइब्रेरी कहलाता है, मैंने बताया था कि लाइब्रेरी इज ए प्लेस वेयर टू कीप यूज टू कीप ए कलेक्शन ऑफ बुक्स, जहां पर किताबों का अलग अलग संग्रह के रूप में रखा जाता है उसे क्या कहलाता है लाइब्रेरी होता है। लाइब्रेरी में हम बुक्स भी बोरो कर सकते हैं, वहां से जो बुक्स लेना घर पर लाकर पढ़ भी सकते हैं पुनः उसको लौटा भी सकते हैं। अब आपका कहता है टिक द करेक्ट है यस और नो, फन और एंजॉयमेंट रिलैक्सेस आवर माइंड एंड बॉडी, क्या जो फन एंजॉयमेंट करते हैं वो हमारे मस्तिष्क को शरीर को क्या करता है रिलैक्स करता है, सही बिल्कुल सही बात है रिलैक्स करता है। यस वी एंजॉय स्विंग एंड स्लाइडिंग इन म्यूजियम, हम लोग म्यूजियम में क्या करते हैं झूला झूलते हैं ये सब करते हैं बिल्कुल गलत, क्योंकि म्यूजियम में क्या होता है पुराने चीजों को रखा जाता है दिखाया जाता है ये सब गलत होगा नो होगा। वी कैन बोरो बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी, हम लोग वहां की लाइब्रेरी से किसी चीज को बोरो को उधार ले सकते हैं बिल्कुल ले सकते हैं मैंने पढ़ाया था। अब कहते हैं आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन और टू वर्ड्स, आइए जो प्रश्नों का उत्तर है एक या दो शब्दों में दीजिए। वेयर डू वी गो टू सी वाइल्ड एनिमल्स, हम लोग जंगली जानवरों को देखने कहां जाते हैं, कहां जाते हैं जू में जाते हैं चिड़िया घर में जाते हैं चिड़िया खाना में जाते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट आपका आंसर होगा वेयर डू वी गो टू सी वाइल्ड एनिमल्स जू। सेकेंड कहता है कि नेम द प्लेस वेयर एंशियंट थिंग्स आर केप्ट एंड सो ऑन, उस जगह का नाम बताइए जहां पुराने चीजों को रखा और दिखाया जाता है, मैंने चैप्टर में पढ़ाया था पुराने चीजों को रखा कहां जाता है दिखाया कहां जाता है म्यूजियम में, कहां दिखाया जाता है म्यूजियम में। तीसरा आपका क्वेश्चन है कि वेयर डू वी सी वेरियस एक्ट्स ऑफ एनिमल्स, हम लोग बहुत सारे जो जानवर अपना कर्तव्य दिखाते हैं वो कहां दिखलाते हैं वो दिखलाते हैं सर्कस में, क्या कहां दिखलाते हैं सर्कस में। अब इसी तरह से पूछ रहा है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वन से व्हाट इज रिक्रिएशन, कह रहा है कि व्हाट इज रिक्रिएशन
रिक्रिएशन क्या होता है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि एक्टिविटी डैट वी डू फॉर एनवायरमेंट और कॉल, वैसा गतिविधियां जो हम लोग अपने मनोरंजन के लिए करते हैं, अपने आनंद के लिए करते हैं, उसे क्या कहलाते हैं, रिक्रिएशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रिक्रिएशन कहलाते हैं। हाउ डू वी एंजॉय फेयर्स, ठीक है, कहता है कि हम लोग फेयर्स में, मेला में कैसे एंजॉय करते हैं, ठीक है। वी एंजॉय डिफरेंट राइड्स देयर, वी आल्सो एंजॉय डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड देयर, हम लोग वहां पर अलग अलग चीजों को क्या करते हैं, उसको आनंद लेते हैं चीजों को, और साथ ही साथ वहां पर क्या करते हैं, बहुत सारे वहां भोजन करके क्या करते हैं, वहां पर फन करते हैं, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट, हाउ डू क्लाउन्स मेक अस लाफ, हमें जोकर हम लोग को कैसे क्या करता है, हम लोग को हंसाता है, ठीक है। क्लाउन्स परफॉर्म वेरियस फनी एक्ट दैट मेक अस लाफ, परफॉर्म क्या करता है, बहुत सारे फनी एक्ट दिखलाता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, हंसते हैं। नेक्स्ट आपका ये है, एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, हाउ डू एंजॉय एट होम, कहता हम लोग घर पर कैसे एंजॉय करते हैं, हम लोग घर पर कैसे एंजॉय करते हैं। तो कभी आंसर दे सकते हैं, सम टाइम्स एंजॉय एट होम बाय टेकिंग रेस्ट, प्लेइंग गेम्स, रीडिंग बुक्स, वॉचिंग टीवी प्रोग्राम्स, सीखिंग, हम लोग घर पर एंजॉय कैसे करते हैं, आराम कर गेम्स खेलकर, किताबें पढ़कर और टीवी प्रोग्राम्स को देखकर हम लोग क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू वी डू ऑन अ पिकनिक, हम लोग क्या करते हैं पिकनिक में, क्या करते हैं। तो पिकनिक में भी प्ले ऑन, ऐसा भी हम लोग का आंसर इसका इस तरह से दिया जा सकता है कि हाउ व्हाट वी डू ऑन अ पिकनिक, समटाइम्स वी गो आउट फॉर अ पिकनिक, वी प्ले गेम्स देयर, वी ईट फूड एंड स्पेल क्वालिटी टाइम विद आवर फैमिली, कहता है कि हम लोग जब पिकनिक, कभी कभी हम लोग जब पिकनिक पे जाते हैं, वहां पर खेल खेलते हैं, हम लोग भोजन करते हैं और अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय बिताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ड, व्हाट डू वी डू इन ए लाइब्रेरी, हम लोग लाइब्रेरी में क्या करते हैं, ठीक है। तो कहता है कि समटाइम्स वी गो टू अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी इज अ प्लेस टू कीप अ कलेक्शन बुक्स, किताब का वहां संग्रह होता है। अब आंसर इसका हो सकता है कि वी कैन फाइंड एंड रीड मेनी टाइप्स ऑफ बुक्स देयर, वी कैन आल्सो बोरो बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे नए नए किताबों के प्रकार को वहां पर पढ़ सकते हैं और खोज सकते हैं। वी कैन आल्सो बोरो बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, वहां पर किताब को क्या कर सकते हैं, उधार के रूप में, मतलब पढ़ने के लिए वहां से हम ले भी जा सकते हैं, जिससे हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती। ये आपका चैप्टर 3 था क्लास 2 का, सब्जेक्ट SST का, जिसका नाम था फन विद आवर फैमिली मेंबर, फन विद आवर फैमिली, हमारे परिवार के साथ मजा। इसमें मैंने वर्ड्स बताया आपको, वर्ड्स के साथ मैंने आपको इसका आपको हिंदी करके मैंने समझाया, साथ ही साथ इसका टिक द करेक्ट और इसका जो क्वेश्चन आंसर है मैंने वो भी कराया। शायद इसका आपको शायद समझ, मुझे आशा है कि मैंने जो पढ़ाया उसे आप बिल्कुल सही रूप से आप समझ गए होंगे। और रही बात नोट्स का, ये नोट्स आपको स्कूल मैनेजमेंट में अवेलेबल समय के साथ कर दिया जाएगा। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, एजुकेशन को मेंटेन कीजिए, जिससे आपको कोई चीज में दिक्कत ना हो और आपका पढ़ाई इस तरह से चलते रहे। थैंक यू।